हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। जैसा कि आज रॉक का एपिसोड खत्म हो चुका है, आज के एपिसोड में सबसे बड़ा शॉकिंग पॉइंट रे मिस्टीरियो का ब्रॉक लेसनर पर जबरदस्त अटैक रहा। वहीं रॉक के बाद काफी कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रही हैं। वहीं रॉक के बाद क्या हुआ सब पर नजर डालेंगे इस वीडियो में। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी, तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बैल बजा के। शुरुआत करते हैं फर्स्ट अपडेट से, जो कि जुड़ी हुई है रॉ के बैक स्टेज मीटिंग से। रॉ का शो ऑन एयर होने से पहले रॉ पर बैक स्टेज एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में WWE के सभी सुपरस्टार और विंस मैकमैन खुद मौजूद थे। अब ये मीटिंग सऊदी अरेबिया में क्राउन ज्वेल इवेंट के बाद फंसे सुपरस्टार को लेके थी, क्योंकि सऊदी अरेबिया से लौटने के बाद बहुत से सुपरस्टार ने इस पर अच्छे से रिएक्ट नहीं करा। और तो और कुछ सुपरस्टार ने कंपनी से रिलीज करने तक की डिमांड कर डाली, जिसके बाद इस मीटिंग में विंस मैकमैन ने कहा कि ये बस एक मैकेनिकल इशू था, इस पर ज़्यादा रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं सुपरस्टार इस बात से मानते हैं या नहीं, या अपनी मांग पर अड़े रहते हैं और WWE से रिलीज करने की डिमांड उठाते रहते हैं। वहीं आज हुई रॉ के मेन इवेंट में हमें NXT और रॉ रोस्टर के बीच जोरदार भिड़ंत देखने को मिली, जिसमें NXT के सुपरस्टार ही थोड़े हावी दिखाई दिए। वहीं इसके बाद रॉ ऑफ एयर हो गया था, जहां हमें फिर से वही दिखा जो पिछले काफ़ी टाइम से हमें और शो ऑफ एयर होने के बाद दिखता चला रहा है। रॉ ऑफ एयर होने के बाद फिन वर्सेज सेथ रॉलिंस के बीच स्टील कैज मैच दिखा, वो भी सड़ी हुई लाल रोशनी में। यहाँ यूनिवर्सल टाइटल को लेकर मैच दिखा, जो कि फिन ने अच्छे से रिटेन कर लिया। समझ ये नहीं आता है कि जब फिन स्मैकडाउन का हिस्सा है तो रॉ ऑफ एयर होने के बाद वो यहाँ आके क्या कर रहे हैं। और तो और फिर ड्राफ्ट का क्या मतलब रह जाता है दोनों ब्रांड के बीच में। वहीं रॉ खत्म होने के बाद सर्वाइवर सीरीज PPV के लिए तीन बड़े मैच सामने आ चुके हैं, जिसमें पहला रॉ स्मैकडाउन NXT के टैग टीम चैंपियंस के बीच मैच कन्फर्म हो चुका है, जो कि रिवाइवल वर्सेज विकिंग राइडर्स वर्सेज बॉबी फिश और काइली के बीच होगा। इसके बाद तीनों ब्रांड की वुमेन्स चैंपियंस के बीच भी मैच अनाउंस हो चुका है, जो कि बेले वर्सेज शाइना बेजलर वर्सेज बैकी लिंच के बीच कंफर्म हो चुका है। अब ये तीनों वुमेन्स आपस में भिड़ेंगी सर्वाइवर सीरीज में। वहीं आज के रॉ में ब्रॉक लेसनर रे मिस्टीरियो की हंटिंग करने आए थे और खुद ही हंट हो गए। ब्रॉक लेसनर रे मिस्टीरियो को ढूंढकर मारना चाह रहे थे, बट उल्टा रे मिस्टीरियो ने मौका देखकर उन्हें स्टील पाइप से ब्रॉक लेसनर को तबीयत से कूट डाला। वहीं बैक स्टेज जाके रे मिस्टीरियो ने ब्रॉक लेसनर को WWE चैंपियनशिप मैच के लिए चैलेंज करा, वो भी सर्वाइवर सीरीज के लिए, जिसे अब WWE ने कंफर्म कर दिया है। अब हमें ब्रॉक लेसनर वर्सेज रे मिस्टीरियो के बीच सर्वाइवर सीरीज में WWE चैंपियनशिप के लिए मैच दिखेगा। तो फ्रेंड, ये थी कुछ अपडेट और सर्वाइवर सीरीज के लिए सामने आए तीन बड़े मैचेस, जिसके बाद साफ है कि ब्रॉक लेसनर तो चैंपियंस वर्सेज चैंपियन मैच का हिस्सा नहीं होने वाले हैं। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।